स्क्रीन डिस्प्ले में आ रही है? ठीक है आपकी बात। जी सर, हो गई है। आज हमने डिस्कस करने हैं ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि माइक्रोबायोलॉजी एक बहुत वास्ट फील्ड है और उसमें डिफरेंट किस्म की ब्रांचेस होती हैं, जिसमें हमने पहले माइक्रोबायोलॉजी की डिफरेंट इसमें जो जो ऑर्गेनिज्म हम स्टडी करते हैं उसको हमने डिस्कस किया था। इस तरह आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी उसमें ब्रांचेस कौन कौन सी है माइक्रोबायोलॉजी की, क्योंकि हम जो पढ़ेंगे यहाँ पे वो सिर्फ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड ही चीजें पढ़ेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ ये माइक्रोबायोलॉजी नहीं है जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, बस इसके अलावा और माइक्रोबायोलॉजी कुछ भी नहीं है, आप ये ना सोचने लग जाओ, बल्कि ये सिर्फ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी हम पढ़ेंगे। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेज हैं जो कि आप आगे हायर क्लासेस में जाके जो उनको स्टडी करोगे। तो सबसे पहले अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में ये होता है कि जितनी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका हम मोड ऑफ एक्शन स्टडी करते हैं, उनका सारा प्रोसेस स्टडी करते हैं जो कि हमें मेडिसिन में या कमर्शियल इंडस्ट्रीज में वो फायदा दे रहा होता है। ठीक है, कमर्शियली वो किसी न किसी तरीके से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें यूज हो रहे होते हैं और वो उसमें फायदेमंद हो रहे होते हैं। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में वो हम माइक्रो स्टडी करते हैं जो कि कमर्शियली या मेडिसिन फील्ड में हमें किसी ना किसी तरह से बेनिफिट दे रहे होते हैं, इस वजह से इसे अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में ये जो हम स्टडी कर रहे हैं, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी जो हमारा सब्जेक्ट है, उसमें क्या होगा कि हम डिफरेंट किस्म के पैथोजेनिक माइक्रोब्स को स्टडी करते हैं और उनका जो रोल होता है माइक्रोब्स का ह्यूमन इलनेस में, उसको हम स्टडी करते हैं कि वो कैसे डिजीज कॉज कर रहे हैं, उनका सारा फंक्शन कैसे है। एक मिनट आप लोग यहीं रहो, मैं आपको दोबारा बात करता हूँ। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में हम डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करेंगे, उनका तमाम पैथोजेनिक रोल क्या है ह्यूमन इलनेस में जो वो कॉज करते हैं। ठीक है, उनकी एपिडेमियोलॉजी क्या है और जितनी भी चीजें हैं जो कि ह्यूमन से डिजीज से रिलेटेड हैं स्पेशली, वो हम मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में उसको स्टडी करते हैं। और फिर उसका इम्यूनोलॉजी भी, इम्यूनोलॉजी मीन्स के डिफरेंट जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स होता है डिफरेंट माइक्रोब्स के अगेंस्ट, वो भी हम उसमें स्टडी कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे जो किसी ना किसी तरह एंटीबायोटिक्स की प्रोडक्शन कर रहे होंगे। ठीक है, या उनका कोई रोल होगा एंटीबायोटिक्स की प्रोडक्शन में, या वो डिफरेंट एंजाइम सीक्रेट करते हैं। ठीक है, जो आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज करते हैं, फिर विटामिन इस तरह, या डिफरेंट वैक्सीन की प्रोडक्शन में वो रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ हम फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी देखते हैं जो ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ डिफरेंट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स उनकी कंटेमिनेशन या स्पॉइलेज का बायस बनते हैं। माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी। माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी में हम डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी कर रहे हैं। जेनेटिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी इसलिए कर रहे होते हैं ताकि कोई भी यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाने में यूज कर सके। ठीक है, माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी में जो स्टडी है वो जेनेटिक या मॉलिक्यूलर लेवल पे हम कर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट है फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड डेयरी
माइक्रोबायोलॉजी। ये भी माइक्रोबायोलॉजी की बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है, जिसमें हम डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं जो कि फूड स्पॉइलेज कॉज कर रहे होते हैं, फूड बॉर्न इलनेस कॉज कर रहे होते हैं, ठीक है, और जो कि स्पेशली इन डेयरी माइक्रोबायोलॉजी वो फर्मेंटेशन में यूज होते हैं, ठीक है, तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम स्टडी करते हैं। फिर नेक्स्ट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी। एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज हो रहे होते हैं जो कि फील्ड में यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्शन में यूज कर रहे होते हैं, उनकी अच्छी जो है उसमें सेंसेस होता कि क्रॉप उसमें यूज कर रहे होते हैं, डिफरेंट प्रोसेसिंग ठीक से हो उसमें यूज कर रहे होते हैं, तो ये सारा एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी। फिर इसके सब फील्ड हैं जिसमें प्लांट माइक्रोबायोलॉजी आ जाती है, प्लांट पैथोलॉजी आ जाती है, जितने भी माइक्रो प्लांट के साथ जिनका इंट्रेक्शन होता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में रोल प्ले कर रहे होते हैं, या राइजोबियम आप पढ़ोगे जो प्लांट रूट्स में होता है, वो डिफरेंट किस्म के बेनिफिट्स दे रहा होता है प्लांट को, तो वो सारा हम प्लांट माइक्रोबियल माइक्रोबायोलॉजी या प्लांट पैथोलॉजी। फिर नेक्स्ट एक ब्रांच आती है सॉइल माइक्रोबायोलॉजी। सॉइल माइक्रोबायोलॉजी बेसिकली माइक्रोबायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें डिफरेंट हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और उनका किसी ना किसी तरह से ह्यूमंस के बेनिफिट्स में या उसके हार्मफुल इफेक्ट कॉज करने में रोल होता है। फिर नेक्स्ट है वेटरनरी माइक्रोबायोलॉजी। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स से रिलेटेड होते हैं, एनिमल्स में कोई डिजीज कॉज करते होते हैं, ठीक है, या उसके अलावा जो हम एनिमल्स की मेडिसिन बनाते हैं वेटरनरी मेडिसिन, उसमें रोल प्ले कर रहे होते हैं, उसको हम वेटरनरी माइक्रोबायोलॉजी में लेते हैं। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी। इसमें जितने भी माइक्रो जिनका इंपैक्ट है हमारी एनवायरनमेंट पे, ठीक है, इधर वो बेनिफिशियल है या उसके अगेंस्ट हार्मफुल है, उसको हम स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है, जैसे राइजोस्फीयर और फाइलोस्फीयर की इसने एग्जाम्पल दी, ठीक है, सॉइल एंड ग्राउंड वाटर की इकोसिस्टम को जो कितने लगते होते हैं, एक्सट्रीमोफाइल्स जो होते हैं डिफरेंट जो एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स में रहते हैं। एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी तमाम एस्पेक्ट को कवर कर रही होती है जिसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रोल प्ले कर रहे होते हैं एनवायरमेंट। फिर इसमें वेटरनरी माइक्रोबायोलॉजी जो हमने देखा था उसमें डिफरेंट किस्म के और जियो माइक्रोबायोलॉजी भी, वाटर माइक्रोबायोलॉजी भी, ठीक है, ये सारा ये हेडिंग इसमें जो है ये गलत है, मैं इसमें करेक्शन करवा दूंगा आपको जब स्लाइड भेजूंगा, ये एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी ही आगे जा रही है, ठीक है, एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी ही आगे इसमें हम डिटेल इसकी पढ़ रहे हैं कि माइक्रोबियल इकोलॉजी जो है न्यूट्रिएंट साइकिल में जो रोल प्ले करते हैं वो भी एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में हम पढ़ते हैं। फिर जियो माइक्रोबायोलॉजी है, ठीक है, और वाटर माइक्रोबायोलॉजी है, ठीक है, एरो माइक्रोबायोलॉजी है, एपिडेमियोलॉजी है, ये सारी जो है ब्रांचेस माइक्रोबायोलॉजी, ये सारी जो है एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में। फिर कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो माइक्रोबायोलॉजी में आगे अक्सर यूज होंगी, उनका हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या होती है? इम्यूनाइजेशन बेसिकली एक फोर्टिफिकेशन है हमारे इम्यून सिस्टम की, जिसमें प्रिपेयर हो रहा होता है हमारी बॉडी इन फ्यूचर अगर इन्फेक्शन कोई होते हैं उसको स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके लिए वो तैयारी करी होती है, ठीक है, हमारा इम्यून सिस्टम तैयार होता है इन फ्यूचर इन्फेक्शन के लिए, अगर कोई इन्फेक्शन बॉडी में होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको इनकाउंटर करता है। कैसे इनकाउंटर करता है, ठीक है, कौन कौन से सेल्स एक्टिवेट होते हैं हमारी बॉडी में और इनिशियली कौन से एक्टिवेट होते हैं, फिर बाद में कौन से होते हैं, ठीक है, प्राइमरी डिफेंस, सेकेंडरी डिफेंस, ये सारी चीज़ें हम इम्यूनाइजेशन या इम्यूनोलॉजी में फिर बात करते हैं। फिर एंटीसेप्टिक से एक टर्म यूज होती है। एंटीसेप्टिक बेसिकली वो केमिकल्स होते हैं जो कि हम अपनी बॉडी सरफेस को क्लीन करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है,
माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, कि डिफरेंट माइक्रोब जो हमारे स्किन पे हमारी बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं क्लीन करने के लिए, उन माइक्रोब को किल करने के लिए हम जो केमिकल्स यूज करते हैं उनको एंटीसेप्टिक्स कहते हैं। लेकिन इनका एक डिसएडवांटेज ये भी होता है कि ये इनके हमारी स्किन के लिए हमारी बॉडी के लिए कुछ ना कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन देयर क्वांटिटी। फिर नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स एंटीसेप्टिक्स की तरह आप कह सकते हैं इनको, क्योंकि ये भी माइक्रोब्स का जो डेवलपमेंट है उसको स्लो कर रहे होते हैं, माइक्रोब्स को किल कर रहे होते हैं। लेकिन एक डिफरेंस ये होता है एंटीबायोटिक्स और एंटीसेप्टिक्स में कि एंटीबायोटिक्स आपके ब्लड में सर्कुलेट कर सकती हैं, ठीक है, आप एंटीबॉडीज को टेस्ट कर सकते हो, बाय ओरल का आप ले सकते हो, वो आपके ब्लड सिस्टम में शामिल हो सकती हैं और माइक्रोबियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट कर सकती हैं। लेकिन एंटीसेप्टिक्स जो हैं वो आप सिर्फ बॉडी सर्फेसेस पे ही अप्लाई कर सकते हैं, वो आप ह्यूमन ब्लड में नहीं जा सकते एंटीसेप्टिक्स, ठीक है, वो हार्मफुल हो गया अगर इस तरीके से यूज किया जाए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थी, इम्यूनाइजेशन क्या होती है, एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं और एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। नेक्स्ट फिर हम देख लेते हैं कि बार बार हमने पहले वर्ड यूज किया था कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, तो हमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। सबसे पहले साइज की अगर बात करें तो साइज ऑफ सेल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स का 0.2 टू 2 माइक्रोन इन डायमीटर होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स का एग्जाम्पल जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स की बैक्टीरिया है, आर्किया है, दोनों प्रोकैरियोटिक सेल्स में आ जाते हैं, और यूकैरियोटिक सेल्स में एनिमल्स आ जाते हैं, डिफरेंट प्लांट्स आ जाते हैं। नेक्स्ट फिर हम अगर न्यूक्लियस की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रॉपर न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर मटीरियल होता है डीएनए के रूप में। इसी तरह यूकैरियोटिक सेल में प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट। फिर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स की बात की जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि लाइसोसोम है, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सारे मेम्ब्रेन इनक्लोज ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो है वो फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, फॉर देयर मूवमेंट और फॉर अदर टू बिल्डिंग ब्लॉक्स बने होते हैं, और जबकि यूकैरियोटिक सेल में मल्टीपल माइक्रोट्यूब्यूल होती हैं, जैसे कि आप अगर डिफरेंट पैरासाइट्स वगैरह देखेंगे यूकैरियोट्स में तो वो मल्टीपल माइक्रोट्यूब्यूल होती हैं जिनकी वजह से वो मूवमेंट करते हैं, ठीक है। सेल वॉल की अगर बात करें तो सेल वॉल प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है और यूकैरियोटिक सेल में जो है वो एब्सेंट होती है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में फिर एग्जेम्पशन है कि प्लांट सेल्स और फंजाई में जो है वो सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्टीरॉइड प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती है और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है। बेसिकली प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है ये याद रखने के दोनों में प्रेजेंट होती है, लेकिन अगर हम स्टीरॉइड की बात करें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है स्टीरॉइड के साथ एब्सेंट होती है, प्रेजेंट होती है, तो उसमें स्टीरॉइड्स प्रेजेंट नहीं होते। यहाँ जो बात की जा रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद स्टीरॉइड्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात नहीं हो रही, ये क्लियर है। ये ना हो आप कह रहे हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में होती है, लेकिन प्लाज्मा स्टीरॉइड्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। इस तरह फिर साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोस्केलेटन प्रॉपर उसमें नहीं होता इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स की केस में साइटोस्केलेटन जो है वो वहां पे प्रेजेंट होता है।
राइबोसोम जो है प्रोकैरियोटिक सेल में स्मॉलर होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में जो है वो लार्जर होते हैं। सेल डिवीजन अगर देखा जाए प्रोकैरियोटिक सेल में जो है वो बाइनरी फिशन के जरिए होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो है वो मिटोसिस के जरिए सेल डिवीजन। नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ एक होता है, ठीक है, लेकिन वो भी हम उसको ट्रू क्रोमोसोम नहीं कहते क्योंकि उसकी अपीयरेंस जो है वो वन जो है सही तरह से शो नहीं हो रही होती, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक से ज्यादा भी हो सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये कंजुगेशन के जरिए प्रोकैरियोटिक सेल जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल जो है इसमें मियोसिस हो रही होती है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे प्रोकैरियोटिक सेल्स के और यूकैरियोटिक सेल्स के। सबसे पहले साइज है, फिर उसके न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, फ्लैजिला है, सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसमें स्टीरॉइड उसके साथ है या नहीं है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है, साइटोस्केलेटल उसमें होता है नहीं, फिर राइबोसोम है, सेल डिवीजन उसमें किस तरह से होती है ये आपको पता होना चाहिए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है या मतलब उसके मेथड्स कौन से हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, दोनों में दो प्रयास में और फिर ये एक पिक्चर है जिसमें एक तरफ उसने लेफ्ट साइड पे प्रोकैरियोटिक सेल दिखाया है यूकैरियोटिक आपको सेल मेम्ब्रेन नजर आ रही है जिस तरह एक यूकैरियोटिक सेल में थी, फिर सेल वॉल जो है वो यहाँ पे आपको प्रोकैरियोट्स में नजर आ रही है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में आपको सेल वॉल नहीं दिख रही है। इसकी वजह है कि मैंने कहा कि प्लांट में और फंजाई में सेल वॉल की प्रेजेंट होती है, सम यूकैरियोट्स का भी होता है। फिर न्यूक्लियॉइड प्रेजेंट होता है जो कि प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, जिसके प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे नहीं होती, राइबोसोम जो है वो स्मॉलर होते हैं एज कम्पेयर टू यूकैरियोट्स। ठीक है, इसमें एक प्रॉपर फ्लैजिला दिखाया गया है कि इसको मूवमेंट के लिए और इसके लिए प्रॉपर फ्लैजिला की जरूरत होती है। ये सारा था आज डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हमने डिस्कस की इसमें, और फिर हमने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का डिफरेंस देखा।